दोस्तों एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर डाउनफॉल की बात करें तो अकेले दोस्तों पीछे ज्वेलर्स में डाउनफॉल नहीं आए और एसबीआई का मैंने चार्ट निकाल लिया आपके सामने। एसबीआई में भी देख लीजिए ज़बरदस्त मार्केट चल रहा था और इसमें मैंने आपको टारगेट दिया था 300 प्लस का, तो अपना टारगेट लेकिन एक दो रुपये से रह गया था। और इसमें अपन बात करें डाउनफॉल की दोस्तों, तो डाउनफॉल देख लीजिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसमें भी आज ज़बरदस्त देख लीजिए आप, इसमें मार्केट टूटा है तो अपन कह सकते हैं अकेले ओनली पीसी ज्वेलर्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। इसमें भी देख आपको सामने नज़र आ रहा है, देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल इसमें आपके सामने बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हुई है और मार्केट देख लो कहाँ से तक कहाँ तक आ गया है। लेकिन मार्केट ये चल रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक मार्केट बढ़ा था, तो उसका आज प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। और बाकी एसबीआई के जो रिजल्ट आए थे वो भी बिल्कुल शानदार रिजल्ट आए थे, प्लस में आए थे, फिर भी मार्केट में देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट बुकिंग से डरना नहीं चाहिए, तो मार्केट का ये करेक्शन है कि मार्केट का चार्ट यहाँ से चल रहा था ऊपर बढ़ रहा था, अब यहाँ नीचे आया, अब फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो ये पीछे ज्वेलर्स के में भी चार्ट में पीछे ज्वेलर्स में भी एक वीडियो में इतना गजब के बनाने वाले होंगे पीछे ज्वेलर्स को, वीडियो आप देखोगे ना तो आपका या मालूम आगे का जो टेंशन है आगे की जो डर है जो बिल्कुल आपका जो डर है ना बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है ना, वो मैं आपको अभी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, जस्ट मैं बना रहा हूं। ठीक है, पीसी ज्वेलर्स का अब इसमें जो एसबीआई का जो चार्ट ये ऐसा शो कर रहा चार्ट, ये जाके ऐसे जाके अब ऐसे ऊपर जाने की ये कोशिश करेगा। तो एसबीआई में एक बार आपको मैं चार्ट में जूम करके दिखा देता हूं, एसबीआई का जो टारगेट है इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ, नेक्स्ट टारगेट। ठीक है ना, एसबीआई का एसबीआई में दोस्तों मैं चार्ट को जूम कर लेता हूं, देखो चार्ट से आपको समझ में आएगा चार्ट ये क्या बोल रहा है। ठीक है ना, चार्ट में बता देता हूं चार्ट के क्या बोल रहा है। ठीक है, पर मिनट में चार्ट से आपको बता देता हूं चार्ट क्या बोल रहा है एसबीआई का। ये फिर चला गया मेरा वो, हाँ दोस्तों सॉफ्टवेयर में थोड़ा क्या दिक्कत चल रही है नेट की वजह से। तो हाँ, एसबीआई में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एसबीआई का जो चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है ना, और अब ये इसका जो नेक्स्ट लेवल है आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई डरने वाली बात नहीं है एसबीआई में। अब आगे का अभी टारगेट अभी इसमें दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, चार्ट को मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर लिया चार्ट को, ज़्यादा पीछे जाते जाते ना जाते हुए मैं यहीं पे आपको समझाना की कोशिश करूँगा, ज़्यादा पीछे चलेंगे तो ज़्यादा आप उलझ जाओगे। ठीक है ना, क्लियर समझ में आएगा लेकिन ज़्यादा उलझोगे। ठीक है ना, अपने एसपी के चार्ट की बात करें, एसपी का चार्ट यहाँ से बढ़ रहा था बिल्कुल 320 के समथिंग 26 तक गया था और वहाँ से मार्केट ये गिरा, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर गिरा मार्केट, फिर गिरा, फिर बढ़ता हुआ फिर वापस गिरा, अब मार्केट वापस क्या हो रहा है, ये मार्केट यहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ बढ़ रहा है यानी मार्केट का ये जो बीच का सपोर्ट था ये तोड़ चुका है और ऊपर आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है मार्केट। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ये टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है, अब इस टारगेट की बात करें दोस्तों 310 रुपये का नेक्स्ट टारगेट है, 310 के बिल्कुल इसको तोड़ने की कोशिश करेगा मार्केट चार्ट ऐसे जाएगा, उसके बाद में ये इसका यहाँ से गिरा था वहीं जाने की कोशिश करेगा 326 रुपये पर। ठीक है ना, 326 रुपये, यानी कि अपन चार्ट की बात करें दोस्तों, चार्ट के ये जा रहा है, चार्ट ऐसे जा रहा है, चार्ट यहाँ से गिरा था, ये आया, यहाँ गिरा, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, अब ऐसे आया, अब चार्ट फिर यहाँ पे नीचे देख लीजिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, चार्ट वापस ये ऐसे निकलेगा और 310 पे जाएगा चार्ट, वहाँ से हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए वापस भी, लेकिन 326 की तरफ चार्ट की बनावट ऐसी आएगी, यानी कि जो मैंने बताया चार्ट की बनावट आप देख लेना, चार्ट की एसपी चार्ट की बनावट ऐसे आई है और ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अब हल्का सा थोड़ा सा ये नीचे आया है, अब यूटर्न लेगा, उसके बाद 310 जाएगा, 310 पे हो सकता है थोड़ा सा फिर करेक्शन ले, उसके बाद 326 निकलेगा चार्ट। ठीक है ना, एसबीआई का चार्ट ये आपके सामने फ्यूचर में ऐसा शो होने वाला है। ठीक है ना, ये अब जो मैं बोल देता हूँ पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकती दोस्तों, मैं मान रहा हूँ नहीं हो सकती, बट मैं 90% कह सकता हूँ इसका चार्ट अभी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो अब ये यूटर्न यहाँ से नीचे आया, यूटर्न लेगा तो ये चार्ट ऐसे जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे ये 310 का जो लेवल दिखाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा ये हल्का सा आके वापस फिर ऊपर निकलेगा 326 रुपये पर। ठीक है, तो अपन यहाँ से अब एसबीआई का जो टारगेट है 310 रुपये का टारगेट अपन लेके चल सकते हैं, उसके बाद में अपन इसके नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो 326 का इसका हाई है, तो अपन 322 का अपन इसका टारगेट अपन सेकंड टारगेट मानकर चल सकते हैं दोस्तों। एसबीआई का देखो सारे करेक्शन, हर आज मैंने जितने चार्ट निकाले सारे सब में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है ना, कोई अकेले कोई आज पीसी ज्वेलर्स में नहीं हुई है। ठीक है ना, आज इसे सेंसेक्स में सारा उठा के देख लीजिए और निफ्टी को भी उठा के देख लीजिए, आज बिल्कुल सपाट बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए माइनस में बंद हुआ। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें आज लेने की सारे जगह आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो करता हूँ एंड, और पीछे एसबीआई में 310 के टारगेट के लिए आप बना सकते हो, जो भी शॉर्ट टर्म में वो जल्दी आपको ये मिलने वाले 310 और 322 का। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।